हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विवेक धरी, इंस्ट्रक्टर बीएड सिंधरी। आइए आज हम लोग नैंड गेट से हाफ एडर का सर्किट डिजाइन करना सीखते हैं। तो इसमें हम लोग को 5 नैंड गेट का जरूरत पड़ेगा। आइए पहले हम लोग सारा कंपोनेंट ला करके यहां पे ड्रॉप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नैंड गेट यहाँ से लेंगे, तो प्लस TTL में क्लिक करेंगे और 7400 इसको हम लोग 5 ले लेंगे। तो यहाँ पे ए बी करके 5 यहाँ पे ले लिए और इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। फिर हम लोग इनपुट देने के लिए स्विच लेंगे, लॉजिक 0 और लॉजिक 1 देने के लिए स्विच लेंगे। तो यहाँ पे प्लस बेसिक में क्लिक करके स्विच में क्लिक करेंगे और SPDT स्विच लेंगे। तो SPDT स्विच 2 हम लोग लेंगे और इसको यहां से क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग VCC लेंगे, तो यहां प्लस सोर्स में क्लिक करके VCC और एक ग्राउंड ले लेंगे। तो यहां से हम लोग लॉजिक इनपुट देंगे और सम और कैरी आउटपुट देखने के लिए हम लोग प्रोब ले लेंगे या LED। तो यहाँ पे प्लस इंडिकेटर में क्लिक करके यहाँ पे हम लोग 2 रेड प्रोब ले लेंगे, एक होगा सम के लिए और एक होगा कैरी के लिए। तो इस तरह से हम लोग सारे कंपोनेंट को यहाँ आके ड्रॉप करके इसको फिर अरेंज करेंगे और सर्किट कनेक्ट करेंगे और स्विच को डबल क्लिक करके इसका नेम चेंज कर देंगे। तो S1 को हम लोग A इनपुट देंगे और S2 को इनपुट B देंगे और इसको राइट क्लिक करके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो दोनों स्विच को फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे और यहाँ पे VCC को हम लोग ये ऊपर वाला टर्मिनल पे VCC कनेक्ट करेंगे दोनों स्विच का और नीचे जो टर्मिनल है उसको ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। तो जब लॉजिक 1 होगा तो VCC पे कनेक्ट होगा, लॉजिक 0 होगा तो यहाँ ग्राउंड पे कनेक्ट होगा। ये जो सर्किट कनेक्शन होगा हम लोग का इस तरह का सर्किट होगा कि यहाँ पे हम लोग का ये जो 4 नैंड गेट है ये हम लोग का जोर गेट की तरह वर्क करेगा और यहाँ पे जो नेट गेट है ये नॉट गेट की तरह। तो यहाँ पे कैरी आउटपुट आएगा और यहाँ पे सम आउटपुट आएगा। तो सेम इसी तरह का सर्किट हम लोग डिजाइन करेंगे। तो टेक्स्ट दे देंगे, तो यहाँ पे होगा सम और यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो कैरी। तो ये हम लोग का इस तरह से सर्किट डिजाइन होगा। अब यहाँ से सिमुलेशन करेंगे। तो जब हम लोग का लॉजिक दोनों इनपुट लॉजिक 0 होगा तो सम भी 0 कैरी भी 0 होगा। तो देखिए अभी दोनों आउटपुट जो है 0-0 है। अब हम लोग इनपुट ए को हाई कर देंगे तो सम आउटपुट हाई आएगा। तो देखिए यहाँ पे
सम आउटपुट हाई आ गया, इनपुट ए को हाई किए, फिर इनपुट बी को हाई करेंगे तब भी हम लोग का सम आउटपुट हाई आएगा और कैरी जीरो होगा। अब दोनों इनपुट को जो हाई करेंगे तो हम लोग का सम जीरो होगा, कैरी हाई होगा। तो देखिए ए बी दोनों को हाई कर दिए, तो अभी सम जीरो कैरी आउटपुट यहाँ पे हाई आ गया। तो इस तरह से हम लोग हाफ एडर का सर्किट डिजाइन करते हैं और इसका ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।